रायबरेली मणिपुर घटना को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में रायबरेली में सपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला है। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में जुटी महिलाओं ने मणिपुर घटना को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया। महिलाओं का कहना है कि हम इस माध्यम से न केवल महिला अपराधों के प्रति अपना रोष जता रहे हैं, बल्कि सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि सरकार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और उनके बढ़ते अपराधों को रोकने में नाकाम है। महिलाओं ने मणिपुर घटना के दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की भी मांग की है। मैं अलका सिंह यादव हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूं और समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हूं। इसलिए आप लोगों ने किया क्या? हम लोग आज लगातार तीसरे दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर जो मणिपुर में जो घटना हुई है, महिलाओं के साथ ये जो जघन्य अपराध हुआ है, इसके विरोध में हम लोगों ने आज पूरी महिला सभा की हमारी टीम ने एक कैंडल मार्च निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया है। और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं कि जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए, ताकि आगे आने वाले समय में महिलाओं के साथ ऐसा कोई अपराध न हो। और ये विरोध सिर्फ दोषियों को सजा देने के लिए नहीं है, ये विरोध उन सोई हुई सरकारों को जगाने के लिए है जो गहरी नींद में सो रही हैं और हम बहन बेटियों की कोई सुरक्षा की कोई पाबंदी नहीं कर रही हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।